सिक्योर्स फॉर यू। सो दोस्तों, आज हम थर्ड वा पार्ट अपलोड कर लेते हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट में असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है, उसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अराउंड अबाउट 40 MCQs अब तक हम कवर कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। पार्ट थर्ड को देखें। क्वेश्चन नंबर 41 में जी वो पूछ रहे हैं, नॉट अनटिल द लेट मिडल एजेस ग्लास डिड बिकम अ मेजर कंस्ट्रक्शन मटीरियल, आइडेंटिफाई द वर्ब। इन्होंने ये जुमला दिया है और इसमें जो पूछ रहे हैं आइडेंटिफाइड द वर्ब, वर्ब को आपने आइडेंटिफाइड करना है। तो यहाँ पे ग्लास डिड बिकम ये यहाँ पे इस एडवर्ब यूज़ हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 42 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशन विद, जो है ये प्रीपोजिशन है विद, दिस इज प्रीपोजिशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 43 को देख ले, हु नोज जर्मन इन इटलीज बी साइड्स अरेबिक, यहाँ पे बी साइड्स लगेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 44 को देख लें, एग्री टू अबाइड बाय मीन अमल करना, द रेफरी डिसीजन, अंपायर के डिसीजन पे अमल करना। अबाइड बाय ये एक पूरा वर्ड है, अबाइड बाय याद रखें अपने साथ, बाय लगेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 45 को देखिए, इफ़ आई हैव मनी आई विल परचेज इट टमोरो, आई विल परचेज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन लगेगा। सर क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, इफ द कैमरा वॉज वर्किंग वी कुड मेक, कुड के साथ मेक लगेगा, मेड नहीं लग सकता, वी कुड मेक अ मूवी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 57 को देखिए, वॉज रेनिंग यस्टरडे सो वी डिड नॉट गो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, इट वॉज रनिंग यस्टरडे सो वी डिड नॉट गो आउट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 48 को देखिए, शी इज़ टू टाइड टू वॉक, ऑप्शन बी लगेगा, टू के बाद ये जो डबल ओ वाला टू है, इसके बाद नेक्स्ट जुमले में हमेशा वो सिंगल ओ वाला टू यूज़ होता है। ही इज़ टू टाइड, वो नहायत वीक है, वो इतना वीक है टू वॉक कि वो चल नहीं सकता, ऑप्शन बी इसका सॉरी वो इतना थका हुआ है कि वो चल नहीं सकता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 49 को देखिए, वाई डिड ही डिसीव यू ऑफ योर अर्निंग, पैसो वाइज में कन्वर्ट करना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, why was I deceived, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 50 को देख ली, इनका जो है चेंज करना है, इनडायरेक्ट में हमने चेंज करना है, अली सी टू आमना सारा विल लीव फॉर पेशावर टुमारो, इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन सी ही है, अली टोल्ड आमना दैट सारा वुड लीव फॉर पेशावर टुमारो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 51 को देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, हमने करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे ढूंढना है तो करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन ए को आप देख ले, आई होप ही विल ग्रांट मी एन इंटरव्यू स्पॉट, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह 52 को देख ले, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम, इन्होंने एक आइडियम ये, टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ यूर प्लीडिंग, ये एक आइडियम है, इसकी मायनी समरी है, किसी चीज़ को समराइज करना, मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो बयान करना, इसका मतलब है समरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 53 को देख ले, आई डोंट थिंक आई हैव बीन मीटिंग हिम येट, यहाँ पे एक वेबसाइट ने हैव मीट लगाया हुआ है और एक जगह पे हैव बीन मीटिंग भी है, तो ये क्वेश्चन ज़रा बहरहाल आप खुद भी कंफर्म कर ले, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन ए यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट सुटेबल है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी उससे मिला हूँ, आई हैव बीन मीटिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन लग सकता है, लेकिन बहरहाल इसको आप खुद भी ज़रा कंफर्म कर ले। क्वेश्चन 54 को देख ले, द वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वो बंदा कि जो हर लैंग्वेज जानता हो या कई लैंग्वेजेस जानता हो उसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 55 को देख ले, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली ये ऑप्शन बी को देख ले, देर वुड बी एट लीस्ट 50 गेस्ट इन द पार्टी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 56 को देख ले, चूज़ द मीनिंग ऑफ आइडियम, एक और आइडियम की मीनिंग हमने सर्च करनी है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन जब आप इररेगुलरली कोई चीज़ शुरू करते हैं, नॉट रेगुलरली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ाई कर रहे हैं और आपको खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं पढ़ने क्या जा रहा हूँ, मुझे पढ़ना क्या चाहिए, नॉट रेगुलरली या इररेगुलरली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 57 को देख ले, They will not come here, will they? Option C इसका करेक्ट ऑप्शन है, will they लगेगा। And 58 को देख ले, throughout the animal kingdom, पूरे animal kingdom में only whale is the biggest than the elephant, only whale is the, option B इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
को देख ली द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ टेरेबल. टेरेबल जो है खौफनाक, एंटोनिम का पूछ रहे हैं तो इसका जो मुतजाद बनेगा, एंटोनिम बनेगा, वो सूथिंग बनेगा, क्योंकि स्कैरी और फ्राइटनिंग ये दोनों इसके सिनोनिम है, तो सूथिंग इसका एंटोनिम बनेगा. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 60 को देख ले, सिनोनिम ऑफ एरोगेंट. एरोगेंट मीन कंसाइटेड. एरोगेंट इसका सिनोनिम कंसाइटेड बनेगा. ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है. आगे देखें तो देखिए पार्ट फोर भी हम अपलोड कर लेते हैं, थोड़े से जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं ताकि फिर आखिरी पार्ट रह जाए और वो भी आपके साथ शेयर करें. क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, व्हाट आर प्राइमरी कलर्स. प्राइमरी कलर्स ब्लू, रेड और येलो हैं. ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. 62 द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ये ऑक्सीजन है, ए करेक्ट हो जाएगा. 63 को देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर. वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को हर साल. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. 64 को देखिए, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज़ है. दुनिया के दो ममालिक जिनके बीच सबसे लंबा बॉर्डर पाया जाता है, ये यूएस और कनाडा है. यूएस एंड कनाडा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 65 को देख ले, द ओनली कंट्री विद विच पाकिस्तान शेयर अ मेरीन बॉर्डर. मेरीन टाइम बॉर्डर. मेरीन टाइम बॉर्डर वो बॉर्डर होता है को समंदर के थ्रू कनेक्ट करता है, बीच में कोई खुश्की ना हो और जस्ट पानी हो और दोनों मुल्क के आपस में करीब करीब हो, दरमियान में समंदर, उसको हम मेरीन टाइम कहते हैं. तो पाकिस्तान का मेरीन टाइम बॉर्डर जो है वो सिर्फ ओमान के साथ है. ओमान ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 66 को देखिए, नेशनल प्रेडेटर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का नेशनल प्रेडेटर ये स्लो लिपर्ड. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. 67 को देखिए, एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. एरिया वाइज मुसलमान दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री वो कराकिस्तान है. ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये भी याद रखिए इंडोनेशिया है. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा. 68 को देख ले, व्हाट वाज तुर्की कॉल्ड बिफोर 1923 से पहले तुर्की को हम रिपब्लिक ऑफ टर्की कहते थे. रिपब्लिक ऑफ टर्की ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. 69 को देखिए, यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 70 को देखिए, सार्क हैज़ इट्स हेडक्वार्टर. सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है. काठमांडू नेपाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. 71 करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंटोनियो गटर. एंटोनियो गटर इस वक्त सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन है. ऑप्शन सी करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू 72 क्वेश्चन को देखिए, अकॉर्डिंग टू SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डेटा, करंट डेप्ट डेप्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मौजूदा कर्जा जो है ये अबाउट 40 ट्रिलियन है. अबाउट 40 ट्रिलियन, एक जगह पे 44 ट्रिलियन भी लिखा गया. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. 73 को देख ले, 73 एंड फीफा वर्ल्ड कप 2022 डेश टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग. 2022 की फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीमें शिरकत करेगी. 32 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. 74 को देख लें, विच इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया में इस वक्त सबसे जो यंगेस्ट कंट्री है जो अभी रिसेंटली मर्ज वजूद में है वो साउथ सूडान है. साउथ सूडान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. 75 नेक्स्ट लीप ईयर विल बी इन 2024 में नेक्स्ट लीप ईयर है. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. 76 को देख लें, ग्रीन हाउस इफेक्ट केस इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग केस होती है. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. 77 को देखें, लिथोस्फेयर ऑफ अर्थ इज अ रॉकी आउटर पार्ट. ज़मीन का जो आउटर पार्ट जो रॉकी पार्ट है इसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. 78 मिल्की वे या मिल्की वे गैलेक्सी है. ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. ये गैलेक्सी, व्हाट इज़ गैलेक्सी, कलेक्शंस ऑफ मैनी स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी. नॉट मैनी, कलेक्शंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी. काफ़ी सारे सितारे जब आपस में ग्रुप बना ले, उनका ग्रुप बन जाए, इसको हम गैलेक्सी कहते हैं. 79 को देखिए, हु डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. ये इक्वेटर है. ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन लगेगा. ज़मीन को नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर डिवाइड करता है. वीडियो का आखिरी सवाल, 80 हॉर्टिकल्चर इज़ अ साइंस. हॉर्टिकल्चर में हम गार्डन मैनेजमेंट करते हैं. ये जो आप सड़कों पे, फुटपाथ पे, पार्कों में ये जो रंग बरंग की गुलकारियाँ आपको दिखाई देती हैं फूलों की या सजावट की, ये हॉर्टिकल्चर वाले करते हैं. गार्डन मैनेजमेंट, बाग़ात का बनाना, इनका मैनेज करना, ये हॉर्टिकल्चर का काम है. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. सो दीज वर असिस्टेंट पेपर
फॉर मिलिट्री लीड इन कंटोनमेंट्स। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ हाजिर होंगे, बाकी 20 एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर होंगे। तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पर नया हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।